ओके दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे अर्धमत्स्येंद्री आसन। सबसे पहले आपकी लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए। फोल्ड करके ऐसे इस तरह से आपके लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है और राइट लेग को लेफ्ट नी के पास रखना है। ऐसे हील और आपकी राइट नी दोनों एक ही लाइन पे मेंटेन होनी चाहिए। अभी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। स्ट्रेट रख के आपकी राइट हैंड स्पाइन के पीछे, फिर लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए एंकल को पकड़ना है, जैसे आप वक्रासन पे करते हो ना, ठीक वैसे ही। फिर एक्सहेलेशन के साथ कंप्लीटली ट्विस्ट कीजिए पीछे, पूरा एक्सहेल कीजिए और ट्विस्ट कीजिए। आपको जितना होता है उतना ट्विस्ट करना है, ताकि आपके लीवर के लिए बहुत ही अच्छा सा। फिर एक्सहेलेशन के साथ थोड़ी देर होल्ड करके एक्सहेलेशन के साथ कंप्लीट नॉर्मल पोजीशन पे आइए। ये बन गया अर्धमत्स्येंद्री आसन। ये मिनिमम 3 सेकेंड्स तो होल्ड करनी चाहिए। 3 से 3 मिनट तक आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको होल्ड नहीं कर पाते ज़्यादा देर से, तो रिपीटेडली आप कर सकते हैं। अभी हम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग से। अभी हम लेफ्ट लेग को बिछा के राइट लेग को ट्विस्ट करेंगे। ऐसे ये बन गया। फिर राइट हैंड से ऐसे पुश करते करते लेफ्ट हैंड को पीछे ट्विस्ट करेंगे। फिर कंप्लीट स्पाइन राइट साइड से ट्विस्ट करेंगे और देखेंगे पीछे दीवार को। एक्सहेलेशन के साथ जैसे आप राइट साइड किया, ठीक वैसे ही लेफ्ट साइड भी करना है। ये हो गया फैटी लीवर के लिए अर्धमत्स्येंद्री आसन। फिर इनहेल या नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ नॉर्मल पोजीशन पे आइए। फिर दोनों हाथ और पांव को रिलीज कीजिए। ये मिनिमम 5 to 15 times आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा करने की कैपेसिटी है, तो वो भी ज़्यादा 30 times तक आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन बहुत ही इफेक्टिव पोस्चर है हमारी ऐप के लिए। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपके पाँव को ऐसे बिछाइए। फिर इनहेलेशन के साथ दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच कीजिए। फिर एक्सहेलेशन के साथ फॉरवर्ड बेंड कीजिए। कंप्लीट बेंड कीजिए। इनिशियली जिनको ये फॉरहेड और नी टच नहीं होता है ना, वो लोग इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ताकि आपकी लीवर के लिए, स्टमक की ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रेशर मिल सके। आपकी ब्रीदिंग एक्सहेलेशन पे होनी चाहिए। ऐसे प्रैक्टिस करते करते शुरुआत में, फिर एक बार फाइनली आप आपके फॉरहेड और नी टच कर सकते हैं। ये बन गया पश्चिमोत्तानासन। अगर कुछ लोगों का हाथ ऐसे पहुंच नहीं पाता है, तो वो लोग ऐसे ऐसे करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक हफ्ता तो लेगा, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ये होता है। ओके दोस्तों, ये बन गया पश्चिमोत्तानासन। फिर इनहेलेशन के साथ दोनों हाथ ऊपर लीजिए। एक्सहेलेशन के साथ हाथ को रिलीज कीजिए। अब करेंगे हम भुजंगासन। भुजंगासन बहुत ही इफेक्टिव है। सबसे पहले ऑन स्टमक पे लेटिए। लेट के दोनों शोल्डर के नीचे आपके पॉम्स को रेस्ट कीजिए और इनहेलेशन के साथ आपकी शोल्डर पार्ट को ऊपर उठाइए। थोड़ी सी बेंड कीजिए आपके एल्बोज को। ये बहुत ही अच्छा प्रेशर देता है। थोड़ी देर होल्ड कीजिए, मिनिमम
3 सेकेंड्स तो होल्ड करना ही चाहिए, उससे ज़्यादा आप कर पाते तो ठीक है। फिर एक्सहेलेशन के साथ चिन को रेस्ट कीजिए जमीन पे। इसका अभ्यास और एक बार करेंगे। श्वास अंदर लेते हुए शोल्डर्स को कंधे को ऊपर उठाइए, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे आइए। ऐसे आप रिपीटेडली भी कर सकते हैं, अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा हो तो होल्ड भी कर सकते हैं। ये बन गया भुजंगासन। ओके दोस्तों, अब हम करेंगे नौकासन। नौकासन में दोनों हाथ स्ट्रेच कीजिए, ओके कंप्लीट स्ट्रेच कीजिए। फिर दोनों पांव और हाथ को एक साथ ऊपर उठाइए। इनहेल करते हुए श्वास अंदर लेते हुए हाथ और पांव दोनों एक साथ। थोड़ी देर होल्ड कीजिए। फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए जमीन के ऊपर रेस्ट करना है आपके चिन को। और एक बार इसका अभ्यास करेंगे इनहेलेशन के साथ। आपके हाथ और थाइस एक साथ ऊपर उठानी चाहिए, आपकी होल बॉडी बैलेंस होनी चाहिए ऑन स्टमक पे। एक्सहेलेशन के साथ कंप्लीटली नीचे। ये बन गया नौकासन। अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन पे आपकी दोनों घुटने दोनों नीज ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके एंकल को पकड़ना है। एंकल को पकड़ के फिर एक साथ इनहेलेशन के साथ आपकी शोल्डर और थाइस को उठाना है। एक्सहेलेशन के साथ नीचे छोड़ना है। ये बन गया धनुरासन। अब हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में ऑन बैक रखना है। इसे कंप्लीटली ऑन बैक लेटिए, लेट के अभी दोनों पांव को ऐसे फोल्ड कीजिए, लंबा कीजिए इसे। इरेक्ट योर नीज कंप्लीटली। फिर आपकी कमर को इनहेलेशन के साथ श्वास अंदर लेते हुए कमर को ऊपर उठाइए, जितना होता है उतना स्ट्रेच कीजिए कंप्लीटली आप। ये बन गया ब्रिज पोज। इसको थोड़ी देर तक होल्ड कीजिए, मिनिमम 3 सेकेंड, 3 से 30 सेकेंड से 3 मिनट्स तक भी आप होल्ड कर सकते हैं। फिर बाद में एक्सहेलेशन के साथ धीरे धीरे कमर को रिलीज करना है। ये बन गया दोस्तों, ये 6 पोस्चर्स आपकी फैटी लीवर के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। अब हम करेंगे थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास। ओके दोस्तों, फैटी लीवर के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राणायाम है वो है कपालभाति प्राणायाम। ये मिनिमम 5 से 15 मिनट्स तक आप कर सकते हैं। अभी मैं बताती हूँ उसकी करने की विधि। सबसे पहले आप कंफर्टेबल पोस्चर पर बैठ जाइए। वज्रासन हो, अर्ध पद्मासन हो, सुखासन हो,
आप जिसे जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हो वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसे नीचे बैठने की कॉम्प्लिकेशन है तो वो लोग चेयर पे या बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, दोनों हाथों को सन मुद्रा यानी नहीं तो ज्ञान मुद्रा कोई भी मुद्रा इस्तेमाल करके आप बैठ सकते हैं। अगर आपको वेट घटाना है तो ये मुद्रा बहुत ही अच्छा है, इसे कहते हैं सन मुद्रा। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे कपालभाति प्राणायाम। एक बार श्वास अंदर लीजिए, फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए इसका अभ्यास हम प्रैक्टिस करेंगे। ये मिनिमम 5 मिनट्स करना है, 5 टू 15 मिनट्स तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। 15 मिनट करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। अगर आपकी डिजीज क्रोनिक है तो 15 या 20 मिनट्स तक भी आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी इसका और एक उपाय बताती हूँ जो बहुत ही ईजी टेक्निक के साथ आप कर सके। सबसे पहले गहरा श्वास लीजिए, श्वास लेके फिर एग्जिट कीजिए आपकी ब्रीथ को, ब्रीथ आउट करते ही जाना है। इनहेलेशन अपने आप होती जाती है पर आपका फोर्स कंप्लीट एक्सहेलेशन पे डालनी चाहिए। जब आप एक्सहेल करते रहते हैं तो टमी को इनसाइड पुल कीजिए ताकि कंप्लीट आपका डिटॉक्स हो सके, कार्बन के थ्रू कंप्लीट डिटॉक्स हो सके। ओके दोस्तों, ये था ये 6 पोस्चर और कपालभाति प्राणायाम फैटी लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।